तो आज हम देखने वाले हैं इंटरनेट पे पड़े हुए वन ऑफ द मोस्ट स्केरीएस्ट एंड हॉरर शॉर्ट्स। पता नहीं आज मुझे क्या क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि तुम्हें पता ही है शॉर्ट्स के मामले में कभी कभी चीजें थोड़ी रियल हो जाती है। सो या लेट्स जस्ट गो, माहौल इज सेट। ओके, सो दिस शॉर्ट इज नोन एज स्केरीएस्ट वीडियो एवर रिकॉर्डेड। आई थिंक सो ये रियल लाइफ फुटेज होने वाली है। तो यार अगर तुम्हें नहीं पता तो मुझे इन चीजों से वैसे डर लगता है, एंड जब ये रियल लाइफ वाली चीजें दिखती है तो डर एकदम दो गुना बढ़ जाता है मेरा। Look at this dude. गुफा है क्या कोई? No. Oh. That music. What is that? यार ये कोई मूवी लग रही है मेरे को, ये कोई गेम है भाई। वो पूरा मूस ने मुंह में ले रखा। What did he say? लॉलीपॉप की तरह। मैं सच बता रहा हूँ, इस वाले क्लिप में म्यूजिक ने ज्यादा काम कर दिया डराने का। Alright, so here's the next one. This one is known as Scary Forest Lady video. Shit, here we go again. And yeah, let's go. ये भी real life वाली है। You should start running. भाई मुझे जंप स्केयर से बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ये जंप स्केयर वाले शॉट ही क्यों आ रहे हैं मुझे अभी? जा पूछ क्या? Alright, so this is a horror story of a drawing. Basically, तुम्हें नहीं पता तो वेस्ट में ना, I mean to say बाहर के कंट्रीज में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, एकदम टॉडलर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड में होंगे, जिनको हम ढंग से मैच्योरिटी भी नहीं होती। दे ड्रॉ समथिंग वेरी क्रीपी आउट ऑफ नोवेयर, एंड उसके पीछे एक रीजन होता है, उन्हें कुछ ना कुछ दिख रहा होता है, कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल रहे होते हैं थ्रू सम काइंड ऑफ एनर्जी, तो वो ड्रॉइंग बना देते हैं, क्योंकि बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं कहाँ पे कैसे क्या किस चीज को पोर्ट्रे करना है। तो या ये बहुत सारी चीजें हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी लड़की को तंग करने से पहले 7 बार सोचेंगे। इन सभी स्टूडेंट्स का ड्रॉइंग क्लास चल रहा था। क्यों तंग करना ही क्यों है इन जनरल? बात तो सही है, लड़कियों को तंग करने से पहले 7 बार सोचेंगे। ओके ब्रो, इज अबाउट टू गिव अ लेसन। ड्राइंग क्लास चल रहा था, लेकिन एक लड़का ड्राइंग करने के बजाय क्लास में बैठी बाकी स्टूडेंट्स को तंग कर रहा था। उस क्लास में एक लड़की भी थी और वो लड़का उसे भी तंग कर रहा था। बार बार तंग करने की वजह से लड़की गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो अपने बैग से एक ड्राइंग बुक निकालती है और एक अजीब सी दिखने वाली पेंटिंग पर लाल रंग की पेन से दाग टांगने लगती है। जब लड़की उस तस्वीर की पेट पर गोल गोल दाग देती है, उस लड़के की पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। लड़की और जोर जोर से दाग टांगने पर उस लड़के को खांसी आना शुरू हो जाता है। फिर लड़की उस तस्वीर की सर पर दाग टांगने लगती है, और जैसे ही वो तस्वीर की सर पर दाग टांगती है, उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगता है। ओके ब्रो व्हाट भाई, तो नेक्स्ट लेवल टेलीपैथी होगी, ये कैसे हो रहा है? ओके आई डोंट नो, मे बी ये चीजें रियल लाइफ में होती होंगी, मेरे को डीप में जाने ही नहीं इनके, मेरे को जाने ही नहीं। आई एम जस्ट मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट शॉट। आई एम वांट सम शॉट्स एंड आई एम रन, दोस्तों। ओह नो, सो दिस वन इज एक बच्ची के साथ ऐसा किया उसने। हा? किसने? सामने कौन हटा उसे? तो एक छोटी लड़की टीवी देख रही होती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह गेट के बाहर निकलती है, उसे एक बलून दिखाई देता है और वह बलून की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वह बलून लेती है, एक और बलून दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था मानो उस लड़की को कोई अपनी तरफ बुला रहा हो। उसके बाद कुछ चॉकलेट पड़ी हुई दिखाई देती है। जैसे ही वह लड़की थोड़ा और आगे बढ़ती। भाई बाय द वे, जस्ट टेकिंग अ मोमेंट, आई डोंट नो, मैंने पहले बताया था या नहीं, बट जो छोटे बच्चे होते हैं ना, और जो एनिमल्स होते हैं इन जनरल, जैसे डॉग, कैट्स, इन सबको एनर्जी सेंस हो जाती है, एंड स्पेशली बच्चों को। किड्स कैन सी घोस्ट, तो बच्चों की चीजों को ना हर चीज को मजाक में नहीं लेना चाहिए। ओके, बस मैं ये बोलना चाहूंगा। है उसे एक बहुत ही भयानक इंसान दिखता है। उसका शरीर सफेद पड़ गया होता है। वह आदमी उस लड़की को एक जादुई ट्रिक दिखाता है और एक रेड कलर की बॉल निकाल कर देता है। लड़की बॉल उठा लेती है और उस आदमी की स्टिक पर उसे हंसी आ जाती है। वो आदमी अपने चेहरे पर एक लाल रंग लगाता है और अब उसकी शक्ल एक जोकर जैसी हो जाती है। तभी वह हंसी हंसता है और अपने पीछे दिखाता है। वहाँ पर उस लड़की की माँ मरी हुई होती है और जो लाल रंग वह अपने चेहरे पर लगा रहा था, वो उसकी माँ का खून था। What was that twist? भाई तो हॉरर शॉट की जगह थ्रिलर शॉट निकल गई। God damn it man! बुरी तरह डर चुकी थी क्योंकि उस लड़की की मौत उसके सामने थी। हाँ मुझे पता, तू जंपस्केयर लाने वाला था। ए बेटे बच गया मैं। था। जब बेटे तुम बड़े तेज हो रहे हो यार, ये हर शॉट के एंड में तुम्हें जंपस्केयर देना जरूरी है। पिछली बार 3 बार मिल चुके मुझे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो। ओके नॉट गोना लाई, ये वाली शॉट काफी मजेदार थी, काफी ज्यादा मजेदार थी भाई। ट्विस्ट, आई लव ट्विस्ट, बस ऐसे रियल लाइफ में ना हो तो बेहतर है। ओके द हॉरर स्टोरी ऑफ बहादुर दोस्त। आर यू श्योर अबाउट दैट? सी दिस वन, थोड़ा इनकरेजमेंट मिलेगा हमें।
मैं 16 साल की थी तब फरहान और आर्या हमेशा मुझे ब्रिज पर ले जाकर मारते और पैसे भी छीन लेते। मगर एक दिन उन्होंने जब मुझे बहुत मारा तो मैंने चिल्लाकर कह दिया कि कल ये सारी बात मैं टीचर को बताऊंगी। और तभी आर्या ने मेरे पेट में लात मारी और मैं बेहोश हो गई। और फिर आँख खुली तो तब तक अंधेरा हो चुका था एंड फरहान और आर्या भी चले गए थे। तो मैं घर गई और अगली सुबह आराम से उठी क्योंकि आज संडे था और मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं था। फिर तभी मेरी डोरबेल बजी और मैंने चेक किया तो फरहान और आर्या आए हुए थे। वो मुझे अपने साथ एक जगह ले जाने लगे और उनमें से काफी बुरी बदबू भी आ रही थी। और फिर हम उसी ब्रिज पर आ गए मगर उन दोनों की स्मेल से मुझे भाई रहन दो, मैं तो बताऊंगा भी नहीं। अब तुम्हें लगता है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा भी नहीं। उल्टी आने लगी और तभी मेरी नजर ब्रिज के नीचे पड़ी फरहान और आर्या की लाश पर गई और मुझे याद आया कि कैसे आर्या ने मेरे पेट में लात मारी थी। असल में कल हुआ यूं था, जब मैंने फरहान और आर्या को धक्का दिया तब आर्या ने मेरे पेट में लात मार दी और मैं नीचे गिरकर बेहोश हो गई। और फिर मैंने फरहान और आर्या को देखा कि उन्होंने खुद ब खुद अपनी गर्दन चटकाई और वहां से गायब हो गए। जब मैं टॉयलेट ओके ब्रो, दैट वाज बैड, दैट वाज सैड, दैट वाज बोथ। ऑलराइट लेट्स गो, दिस इज आवर नेक्स्ट हॉरर शॉट एंड इस पे बहुत ज्यादा व्यूज थे, लेट्स सी क्या है इसमें। भैया प्लीज देखो जंप स्केयर मत देना, बाकी सब मैं झेल लूंगा, ठीक है? बाकी सब मेरे पे है, जंप स्केयर मत देना। भूत में मानते हो आप लोग? चलो आज मैं आपको रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट बताता हूं जिसकी वीडियो फुटेज आपको हिला के रख देगी। तो 2018 में टॉम एंड नीली करके एक कपल थे जो रशिया के एक गांव में रहते थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन एक्चुअली बहुत खराब थी तो उन्होंने वो अपार्टमेंट लिया जो सबसे सस्ता मिल रहा था और उनको मिला अपार्टमेंट नंबर 4। भाई वो साउंड इफेक्ट से मैं डर गया ब्रो, ठीक है भाई। अब मैं फालतू में डरता रहूंगा, ठीक है? अब थोड़ी आदत बना लो इस वीडियो में आगे, ठीक है? मैं फालतू में डरता रहूंगा, बस मैंने बता दिया। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, मैं कर भी नहीं पाऊंगा, बस हाँ इतनी बात दिमाग में डालो। सस्ता मिल रहा था और उनको मिला अपार्टमेंट नंबर 4 जो उस विलेज का सबसे सस्ता अपार्टमेंट था। सस्ता होने के साथ साथ वो बाकी अपार्टमेंट से भी काफी दूर था और इसीलिए वो सस्ता था। जब उन्होंने इंक्वायरी की जो बेच रहा था उससे कि भाई इतना सस्ता क्यों, भाई सस्ते अपार्टमेंट कभी मत लेना, ठीक है? समझ गया। लोग पहले रहते थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कई बार भूत देखे गया, आत्मा देखी गई, ऐसी चीजें उनको एक्सपीरियंस हुई। पर ये दोनों भाई सस्ता मिला, चलो भाई एक काम करो भाई, आप पता क्या करो, आपने एक सूतली बम लो और अपने स्टूडियो में फोड़ो और वो साउंड इफेक्ट रिकॉर्ड करके ना एकदम इतनी वॉल्यूम पे रखना कि कान में जो हेडफोन लगा रखे ना वो फट जाए, मेरा कान भी फट जाए। अरे भाई क्या है, धूम धाप धूप धाप लगा रखे इतने सारे और वो भी हॉरर शॉट में, जिसके लिए मैं पहले से रेडी हूँ, मुझे पता है जंप स्केयर आएगा। छोटी से छोटी चीज डरा दे रही है, आड़ बजाए भूत से लड़ लेंगे, कुछ नहीं होता भूत। लेकिन एक ही हफ्ते बाद उनके घर की बिजली अचानक से जाती है और लिली को अचानक से जो उनके ऊपर वाला कमरा है वहां से जोर जोर से चिल्लाने की और रोने की आवाज आने लग जाती है। तो टॉम वहां पे आया, उसने बोला कि तू शांत रह थोड़ी देर, मैं ऊपर जाकर चेक करके आता हूं क्या सीन। वो ऊपर जाता है और उसने रिकॉर्ड भी किया कि क्या था। अब आपको क्या लगता है ये क्रिएचर एक्चुअली? ब्रो मुझे बहुत कुछ लगता है लेकिन मुझे अभी शुरू लगता है। ओह भाई दैट वाज बैड। अब तुम्हें नहीं पता तो ये वाली क्लिप एक्चुअली मेरी है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस बट या मैंने इसके ऊपर 2-3 आर्टिकल पढ़े थे तभी मैं थोड़ा बीच में सरप्राइज सा हो गया था बिकॉज ये फेमिलियर सी लग रही थी क्लिप। यार तुम्हें अगर नहीं पता ना मैं बहुत इजीली डर जाता हूँ, अगर अभी तक नहीं पता चला होगा तुम्हें। ओके लेट्स जस्ट सी दिस शॉट। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है कोई तो एंटिटी, आई डोंट नो, एंड इसका नाम है कुची साका सेक, कुछ सेक जो भी है। ओना ओना का मतलब क्या होता है? अरे मुझे क्या पता। लाइक इसकी मैंने बहुत ज्यादा फोटोज देखी है, इसका नाम बहुत ज्यादा इधर उधर देखा है। तो यार लेट्स सी दोस्तों, जापान की लोक कथाओं के अनुसार कुची साकी ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह है दोनों कानों तक कटा हुआ है और वह अपना मुंह किसी मास्क व कपड़े से छुपा कर रखती है। साथ ही वह अपने साथ चाकू व कैंची जैसी धारदार चीज भी अपने साथ रखती है। उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि ये ना ये एक्चुअली में ट्रू है। लाइक जापान में, आई डोंट नो चाइना में, इन दोनों में से किसी एक जगह में या कोरिया में इसकी कहानियां एक्चुअली में बहुत ज्यादा फेमस है। ये कुची साके के इंसिडेंट्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। एक टाइम पे तो ऐसा आ गया था लिटरली वहां की लोकल पुलिस को अवेयर करना पड़ गया था लोगों को। दिस इज प्रीटी सीरियस मैन। कि क्या वह सुंदर है, अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह उस इंसान की हत्या कर देती है और अगर इंसान हाँ करता है तो वह अपना मास्क निकाल कर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर सवाल करती है। अगर इस बार इंसान ना करता है तो वह आत्मा उसकी हत्या कर देती है और अगर हाँ करता है तो वह उस इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपने मुंह की तरह उस इंसान का मुंह भी कानों तक काट देती है। इस औरत की आत्मा की दहशत आज भी जापान में बनी हुई है। जापान ओके, थैंक यू दहशत मेरे अंदर भी बनाने के लिए। मम्मी मैंने तो गलती से चालू किया ये भाई। ओके चलो देख ही लेते ट्रू हॉरर स्टोरी, लेट्स सी मैन व्हाट इज दिस। चाओ पैरानॉर्मल एक्टिविटी ऑफ
ऑफिशियल ब्रो दिस इज अ रियल लाइफ क्लिप आई हेट रियल लाइफ क्लिप प्लीज मेरे को थोड़ा डिल्यूजन में जीने दो यार मेरे को मत दिखाओ रियल लाइफ क्लिप भाई स्टार्टिंग में डरा दिया शुक्र है एंड में नहीं डरा मेरे को लगा एंड में भी डरूंगा मैं वेल 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 दैट क्लिप वाज एक्चुअली स्केरी थैंक यू सो मच फॉर स्केयरिंग मी एंड या नेक्स्ट नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन दिस इज स्केयरिंग मी ओह मैन ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह ओके थोड़ा 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 हंस लेते थोड़ा सा हंस लेते प्लीज गाइस प्लीज बस ये एक क्लिप ठीक है आप इस रिजॉर्ट के मैनेजर हैं कहिए वो रूम नंबर 2 से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं आपने वहां झांक कर तो नहीं देखा बिल्कुल देखा क्यों क्या हुआ 8 साल पहले वहां पर एक कपल रहने आए थे रोशनी और रमन एक आदमी दरवाजे से रोशनी को स्टॉक किया करता था जब रमन को ये बात पता चली तो उसने स्टॉकर को वैसे क्यों बता रहे लेकिन स्टॉकर भारी पड़ा उसने उन दोनों की जान ले ली मरने के बाद भी रमन और रोशनी उसी कमरे में रहते हैं और आज भी अगर उस कमरे में कोई झांकता है तो रमन उसकी जान ले लेता है रात 12 बजे अरे भाई रमन सॉरी गलती होगी कोई मरते सॉरी भाई अरे यार ये क्या देखने को मिल रहा है मेरे को मैंने तो हंसी के लिए चालू किया था भाई ये रियल लाइफ स्टोरीज मत बताओ मेरे को प्लीज मेरे को दूर रखो इन चीजों से मेरे को नहीं जाननी है मेरे को सच्ची में नहीं जाननी है लेट मी बी इन डिल्यूजन प्लीज नहीं लगता कि उसे पता चल गया कि मैं वहां झांक रहा था क्योंकि जब मैंने वहां झांका तो वहां मुझे सिर्फ लाल रंग दिखाई दिया रमन की लेफ्ट आई एकदम लाल है 12 बजने में सिर्फ 50 सेकंड बाकी हैं आप जल्दी भागिए यहां से बंदा ट्यूबलाइट आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता आपका नाम रोशनी Bro, these twists. God damn. भाई क्या ट्विस्ट लाते हैं शॉर्ट्स में तुम मान के तुम सोच समझ रहे हो ये 15-30 सेकंड में एक मिनट में चलो जा सकता ऐसे ट्विस्ट ला देना कि सामने वाला बंदा फ्लिप हो जाए बहुत बड़ी चीज है कुडोस बट या मैंने आपको नहीं देखा रोशनी और रमन जो भी आपका नाम भाई मैंने क्यों चालू कर दिए ओके लेट्स गो रियल स्केरी स्टोरी इन दुबई ये भाई हमें एक रियल स्केरी स्टोरी बताने वाला है मैंने जस्ट अभी बोला था मुझे रियल स्टोरी से दूर रखो तो ठीक है देख लेते तो आज मैं आप लोग को ऐसी एक कहानी के बारे में बताने वाला हूँ दुबई में हुई थी जो आप सुन के डर जाओगे तो ये एक्चुअली दुबई के पास एक रासू खैमा करके जगह वहां पर हुई थी कहते एक लड़का था उसकी माँ के साथ रहता था लेकिन वो एवरी नाइट पार्टी करने जाता था उसकी माँ को पसंद पार्टी करने जाता पे डरा क्यों रहे हो यार ठीक है पार्टी करने आता था जाने दो अब हर किसी को नहीं जरूरी नहीं है नहीं पसंद हो पार्टी मुझे नहीं पसंद है वैसे झूठ बोलो बट जिसको पसंद है उसे जान दो डरा रहे हो भाई फालतू में पसंद नहीं था तो उसकी माँ ने एक दिन उसको बोली कि बेटा मत जाया कर तो बेटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया चिल्लाने लगा और मारने जा रहा था अपनी माँ को कहते वही नाइट को वो जैसे ही नहाने जा रहा था उसने बाथरूम लॉक किया और जैसे ही नहा रहा था एक लाइट थी जो उसके घर में थी वो ब्लिंक होने लगी और बंद हो गई तो वो चिल्लाने लगा किसने लाइट बंद किया किसने लाइट बंद किया जिसके अंदर से बोला एक आदमी आया उसने उसका गला पकड़ा और उसको मारने लगा पीठ पे जो मार रहा था उसने बोला कि अगली बार तेरी माँ के साथ ऐसा नहीं करना उसको छोड़ दिया जैसे ही भागा मैं बोलने वाला तो बहुत अच्छा किया पुलिस को बुलाया कहते ये आज भी पुलिस के डॉक्यूमेंट्स में और लोग आज भी बोलते कि इसकी फैमिली नहीं मारी बल्कि वो खुद आदमी बोलता है कि भाई ये इंसान नहीं था बल्कि कोई और था उसकी माँ बोलती है मेरे साथ बचपन से एक जिन रहता है शायद वो वही जिन बात तो खत्म कर लेते अपनी चलो कोई बात नहीं बाद में सुन लेंगे ब्रो अगर तुम्हें नहीं पता ना ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं लाइक कुछ लोगों के पास है भाई गार्डियन एंजल तुम मानो या ना मानो एंड तुम लोग बहुत लकी हो मेरे को भी एक चाहिए गार्डियन एंजल यार ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करने में हेल्प हुआ करेगी मतलब डर और जाऊंगा मैं फालतू में ओके दिस इज द नेक्स्ट शॉर्ट हॉरर मूवी ऑफ क्रीचर क्रीचर तो एक मूवी नहीं थी उसी से रिलेटेड है गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने भाई कुंज के साथ दादी के घर गया था वहाँ एक 100 साल पुराना कुआं था जिसके बारे में दादी हमें कहानियाँ सुनाती थी उनका ये मानना था कि इसमें एक खूंखार क्रिएचर रहता है और उस क्रिएचर का फोटो लेने के लिए हमने बाहर टेंट लगाया और उस कुएं के पास एक मीट का पीस भी रख दिया तो मैंने अपने भाई कुंज को उठाया और जब हमने चेक किया तो वो मीट का पीस वहाँ से गायब था और हमने देखा कि कुएं में वही क्रिएचर उस मीट के पीस को खा रहा था कुंज की आवाज सुनकर उस क्रिएचर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे कुएं में खींच कर ले गया मैंने चिल्लाकर मॉम डैड को बुलाया और हमने कुछ को बचा लिया लेकिन उसका एक हाथ टूट गया था अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से 10K लाइक्स कंप्लीट कर पार्ट 2 नहीं चाहिए मुझे मैं जल्दी से 10K नहीं करूंगा दैट डैम स्माइल भाई लेकिन लेट मी टेक अ मोमेंट एंड टेल यू गाइस कि ऐसी चीजों के साथ ना प्लीज मजाक मत किया करो ठीक है लाइक अगर तुम्हारी नानी दादी चाचा काका मामा ताया जो भी बोल रहे कि कुछ है तो मान लो ठीक है मजाक मत करो उसका मजाक मत बनाओ मीट रख के तुम फोटो खींच रहे हो यार क्या तुमने किंडरगार्टन समझा हुआ हो कोई भी आएगा फोटो लोगे और चले जाएगा ऐसे थोड़ी ना होता है यार मेरी सच्ची में पटरी में कैसे बताओ यार ओके लेट्स गो भाई की एक और शॉट आ चुकी है भाई हमें हमेशा की तरह दहलाने वाले
अगर आप कभी सोच रहे हो कि रात को हॉस्पिटल में अकेले रुको, कभी ये गलती मत करना, ठीक है भाई। 2008 में एक्चुअली ऐसा किस्सा हुआ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और एकदम रियल स्टोरी है। एक डॉक्टर अपने क्लाइंट पे वर्क कर रहा था जो कि डेड हो चुकी थी, मर चुकी थी। और जो लोग मर जाते हैं उस हॉस्पिटल में ऐसा था कि वहाँ पे रेड कलर का बैंड बांध देते हैं उनके हाथ, तक भी पता चल जाए मर गया, इसमें ज्यादा सर्जरी वगैरह ना करे कोई डॉक्टर आके। वो सब कर रुक के वो डॉक्टर गया लिफ्ट के पास में जाने के लिए, तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी, ठीक है। वो लड़की उससे बातें बातें कर रही थी काफी टाइम हुआ, फिर वो नीचे गई लिफ्ट, नीचे जाके एक फ्लोर पे लिफ्ट रुकी, फ्लोर के सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। अब वो लिफ्ट के अंदर आने के लिए बोल रही थी, लेकिन डॉक्टर ने बहुत रूडली उससे बिहेव किया और बोला कि चल जाए यहाँ से करके, भगा दिया और ऊपर चले गया। तो दूसरी जो लड़की थी जो उससे बात करी थी लिफ्ट में खड़ी हुई, उसने बोला कि ऐसा क्यों करा तुमने, आने क्यों नहीं दिया उसको लिफ्ट में। तो डॉक्टर ने जो कहा वो सुन के आप शॉक हो जाओगे। डॉक्टर ने कहा कि ये वही लड़की है जिस पर मैं अभी भी वर्क करके आया हूँ, जो डेड हो चुकी है और उसके हाथ में रेड कलर का बैंड भी है। वो लड़की सुन के एकदम चुप हो गई और सामने देख के एक स्माइल दी और अपना हाथ ऊपर किया, और उसके हाथ में भी रेड बैंड था। क्यों दिमाग खराब कर रहा मेरा भाई, मैं सच बता रहा हूँ मैं आधी क्लिप्स ना देख नहीं पाता हूँ। प्लीज गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा मेरे को, आई हैव अ सेंसिटिव हार्ट, ठीक है, प्लीज डोंट ब्रेक इट प्लीज। भाई लास्ट क्लिप है, इस पे जंप स्केयर लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए देख रहा हूँ, ठीक है, लाइक करके जाना सबने जो भी यहाँ तक है, मतलब यहाँ पे है, मैं बता रहा हूँ मैं देख रहा हूँ तुम्हारे लिए, आई डोंट केयर, मैं देखूंगा तुम्हारे लिए, मैं सीधा देख रहा हूँ, मैं हिलूंगा नहीं, मैं कसम से नहीं हिल रहा, मेरे को हिला के दिखा दो कोई, मैं मान जूंगा, हिला के दिखा दो मेरे को, पेड़ है और क्या है, हाँ आवाज कैसी हो रही है, अरे चलो ये जंप स्केयर है ये जंप स्केयर है क्या भाई यार, मैं इस पे डर गया। Yeah, that is it for today's video. Wait for the next one. Till then, peace out. Stay blessed. Good night. अगर तुम रात को देख रहे हो. Yeah. अब बीट पे गदर मचेगा, खटेगा ये pizza, सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा, बोलेगा I swear, चल जाने दे बेटा. अरे बस कर भाई.